हेलो, बाइक राइड विद सन्नी में आपका स्वागत है। आज हम देहरादून से सहस्त्रधारा की यात्रा टाटा सफारी से कर रहे हैं। ये हम इस समय घंटाघर होते हुए निकल रहे हैं। देहरादून की वादियों में कोई भी है इस समय, हरे भरे पेड़, ऊंचे ऊंचे पेड़, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। शहर पूरा कंक्रीट का हो गया है। देहरादून से सहस्त्रधारा की दूरी है 17.3 किलोमीटर और तकरीबन 1 घंटा का टाइम लगता है पहुंचने में। जब हम आपको सहस्त्रधारा के बारे में बताएंगे, सहस्त्रधारा क्यों फेमस है, सहस्त्रधारा जिसका शाब्दिक अर्थ है 1000-fold spring, बाल्टी नदी पर देहरादून से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। सहस्त्रधारा प्राकृतिक सल्फर वाटर स्प्रिंग है जिसमें विविध प्रकार के औषधीय गुण, जैसे इसके जल के उपयोग से त्वचा रोगों का तथा उदरीय विचारों का उपचार संभव है। सहस्त्रधारा का अर्थ है 1000 धाराएं। इस स्थान पर नर्मदा नदी पर धाराओं की संख्या लगभग उतनी ही है। औषधीय गुणों और उपचारात्मक महत्व के लिए प्रसिद्ध सहस्त्रधारा में जल कुंडों का संग्रह है, जहां चूना पत्थर के स्टेलेक्टाइट्स से पानी टपकता है जो इसे सल्फर स्प्रिंग में बदल देता है। औषधीय झरनों के अलावा सहस्त्रधारा में समृद्ध हिमालयी वनस्पति के साथ शांत वातावरण है। सहस्त्रधारा में एक रोपवे भी है जो पर्वत की चोटी तक हवादार सवारी प्रदान करता है। ऊपर से सहस्त्रधारा के मनोरम दृश्य का आनंद लिया जा सकता है। जयलैंड वाटर पार्क नामक वाटर पार्क एक मानव निर्मित जल मनोरंजन पार्क है जो आगंतुकों को भी आकर्षित करता है। पर्यटक पूरे वर्ष सहस्त्रधारा का आनंद ले सकते हैं। सहस्त्रधारा कैसे पहुँचे? सहस्त्रधारा पहुँचने के लिए नियरेस्ट हवाई अड्डा है जॉलीग्रंट हवाई अड्डा। जॉलीग्रंट हवाई अड्डा से सहस्त्रधारा की दूरी 36 किलोमीटर है। सहस्त्रधारा पहुंचने के लिए बस मार्ग, रेल मार्ग और हवाई जहाज तीनों मार्ग का साधन उपलब्ध है। रेलवे
रेलवे लास्ट देहरादून स्टेशन, रेलवे का लास्ट अंतिम स्टेशन है देहरादून। देहरादून में टर्मिनेट हो जाती है ट्रेन, दिल्ली से देहरादून, कलकत्ता से देहरादून, बनारस से देहरादून, सभी बड़ी बड़ी जगह से ट्रेनें हैं। बस भी आपको उत्तरांचल डिपो की बस, उत्तर प्रदेश डिपो की बस और सारी बसेज आपका साधन उपलब्ध है। अब हम सहस्त्रधारा की पहाड़ियों के नीचे उतर रहे हैं, पहाड़ से नीचे एकदम नीचे उतरेंगे। अभी अपन ऊंचे स्थान पे है, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई है, प्राकृतिक द्वारा निर्मित बिल्डिंगें हैं। हरे भरे पेड़ पौधे, प्राकृतिक आनंद लीजिए। आप देख रहे हैं बाइक राइड विद सन्नी चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा के दबाई जाए ताकि आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। थैंक यू। नहीं ऐसी है, पेट्रोल उबरे होगी, पेट्रोल का देख, पेट्रोल पे चलाते हैं ना सिर्फ यहाँ पहाड़ पे।